नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। एमएस धोनी की बाजुओं की ताकत देखनी है तो उनके छक्के वाला वीडियो देख लीजिए, वो भी यॉर्कर पर जब धोनी हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए छक्के लगाते हैं। ऐसा छक्का कोई और मार ही नहीं सकता है। आप किसी भी बल्लेबाज से तुलना कर लीजिए, धोनी इस मामले में सबसे ऊपर रहेंगे। अगर यकीन ना हो तो टी नटराजन से जाकर पूछ लीजिए, क्योंकि अपनी लाइफ में इतना बड़ा छक्का उन्होंने शायद ही खाया हो। धोनी का 102 मीटर का छक्का, वो भी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, आईपीएल 2020 में सबसे लंबे छक्के के मामले में चौथे नंबर पर। इससे पहले 106 मीटर का छक्का लगा चुके हैं निकोलस पूरन, वो भी हैदराबाद टीम के ही खिलाफ, और आज धोनी ने भी इसकी शुरुआत कर ही दी। ये छक्का डिट्टो 2011 विश्व कप फाइनल की याद दिला दी, जब एमएस धोनी ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर भारत को विश्व कप खिताब जिताया था। एकदम हूबहू फोटो कॉपी था ये छक्का। टी नटराजन ने फुलर लेंथ गेंद फेंकी, जिसको यॉर्कर कराने की वो कोशिश कर रहे थे। बस फिर क्या था, धोनी ने गेंद की लंबाई को भांप लिया और उठा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर। पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे टी नटराजन, और ओवर की 5वीं गेंद पर धोनी ने गेंद को स्टेडियम के बाहर ही भेज दिया। गजब का छक्का था और ऐसे लगा कि गेंद गुम हो गई। हालांकि अगली ही गेंद को फिर से सीमा रेखा के बाहर भेजने के चक्कर में कवर्स पर धोनी ने कैच थमा दिया, पर अपना काम करके वो निकल गए। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ने 13 गेंदों का सामना किया और 21 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का भी शामिल था। आपको बता दें, आईपीएल के 13वें सीजन के 29वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद के साथ हो रहा है। इस मैच में धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहली पारी में सीएसके ने 20 ओवरों में 6 विकेट गंवाकर 167 रन बनाए और हैदराबाद को जीत के लिए 168 रनों का टारगेट दिया। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।